हेलो एवरीवन, लास्ट वीडियो में हमने पीएन जंक्शन डायोड इक्वेशन को किया था। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इस यूनिट में रेक्टिफायर्स एंड रेक्टिफिकेशन। रेक्टिफिकेशन का मतलब होता है दिष्ट करंट। इसके बारे में आप लोअर क्लासेस में पढ़ चुके होंगे, इसको आज हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। दिष्ट करंट का मतलब होता है, रेक्टिफिकेशन का मतलब होता है कि किसी भी एसी टाइप करंट को डीसी करंट में कन्वर्ट करना, ओके। यानी कि हमारे घरों में जो करंट आती है वो एसी करंट होती है, क्योंकि एसी करंट को एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र करना ज़्यादा सुविधाजनक होता है, ज़्यादा कन्वीनियंट होता है एंड कॉस्ट में भी कम होता है। तो हमारे घरों में बहुत दूर दूर से जो लाइट आती है, करंट आती है, वो कैसी होती है, एसी। लेकिन जितने भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स होते हैं वो एसी करंट पर ऑपरेट नहीं किए जा सकते, उनके लिए हमें ज़रूरत होती है डीसी करंट की, ठीक है। तो सबसे पहले हमें किसी भी इंस्ट्रूमेंट को ऑपरेट करने के लिए सबसे पहले कंडीशन जो ज़रूरी होती है वो होती है एसी को डीसी में कन्वर्ट करना। तो जो ऐसी सिस्टम्स जो कि एसी करंट को डीसी में कन्वर्ट करेंगे उन्हें हम क्या बोलेंगे, रेक्टिफायर, ठीक है। अब आप जानते ही हैं एसी करंट कुछ इस तरीके से होती है, जो टाइम के साथ डायरेक्शन को क्या करती है, चेंज करती है। और डीसी करंट क्या होगी, जो टाइम के रेस्पेक्ट में क्या होती है, कांस्टेंट होती है, अपनी डायरेक्शन को चेंज नहीं करती है, उसे हम क्या बोलते हैं, डीसी करंट। लेकिन जब हम रेक्टिफायर्स का यूज़ करते हैं तो वो इस एसी करंट को इसकी डायरेक्शन एक डायरेक्शन में कर तो देते हैं, लेकिन इसकी जो वैल्यू है वो टाइम के रेस्पेक्ट में क्या होती रहती है, ऊपर नीचे होती रहती है। अगर हमें इस डीसी करंट को इस तरह से जनरेट करना है तो हम क्या करते हैं, जो भी हमारा सर्किट है उसमें सबसे आगे लगाते हैं रेक्टिफायर। क्या लगाते हैं, रेक्टिफायर। जो रेक्टिफायर से आउटपुट मिलता है उसके लिए हम लगाते हैं फिल्टर्स। क्या लगाते हैं, फिल्टर्स, जो कि इसके अंदर ये जो रिपल्स आ रही हैं इसको क्या कर देते हैं, रिमूव करके और इसको एक लाइन में क्या कर देते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं। तो रेक्टिफायर के आगे क्या लगाया जाता है, फिल्टर लगाया जाता है। फिल्टर के आगे लगाया जाता है वोल्टेज रेगुलेटर, ठीक है, जो वोल्टेज ज़्यादा ऊपर नीचे ना हो जाए उस रेंज में उसको फिट रखने के लिए रेगुलेटर लगाया जाता है। और उसके बाद हम यहाँ पर कनेक्ट करते हैं अपना इक्विपमेंट। तो ये होता है हमारा इलेक्ट्रिकल सर्किट। तो अब सबसे पहले हम रेक्टिफायर के बारे में पढ़ेंगे। तो रेक्टिफिकेशन आपको समझ में आ गया, एसी करंट को डीसी करंट में चेंज करना ही क्या कहलाता है, रेक्टिफिकेशन। तो अब हम देख लेते हैं टाइप ऑफ रेक्टिफायर, ठीक है। रेक्टिफायर क्या होते हैं, दो टाइप के होते हैं हमारे रेक्टिफायर्स जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक होता है हाफ वेव रेक्टिफायर और दूसरा होता है फुल वेव रेक्टिफायर, ठीक है। तो हम सबसे पहले हाफ वेव रेक्टिफायर को डिटेल में पढ़ेंगे, उसके बाद हम फुल वेव रेक्टिफायर को पढ़ेंगे। तो हाफ वेव रेक्टिफायर क्या होता है, हाफ वेव रेक्टिफायर होता है जो एसी करंट की आधी वेव का ही उपयोग करता है और आधी वेव इसमें क्या हो जाती है, वेस्ट हो जाती है, उसके लिए आउटपुट नहीं देता है। इस टाइप के रेक्टिफायर को हम कहते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर। तो सबसे पहले इसका कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं कि इसको किससे बनाया जाता है। जो ये दोनों ही टाइप के रेक्टिफायर्स है ये डायोड को यूज़ करके बनाए जाते हैं। किसको यूज़ करके बनाए जाते हैं, डायोड को यूज़ करके। तो सबसे पहले इसके अंदर लगाया जाता है एक ट्रांसफार्मर, जिसकी ये हो गई प्राइमरी कॉइल और ये क्या हो गई, सेकेंडरी कॉइल। सबसे पहले इसमें लगाया जाता है एक ट्रांसफार्मर, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर इसमें लगाई जाती है एक डायोड और फिर डायोड से इसका क्या लिया जाता है, आउटपुट लिया जाता है। आउटपुट लेने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स में हम हमेशा एक लोड रेजिस्टेंस लगाते हैं और यहाँ पर हमें इसका क्या मिलता है, आउटपुट मिलता है। ये जो है आउटपुट मिलेगा हमें यहाँ पर, इसका क्या मिलेगा, वी नॉन, इन दोनों टर्मिनल्स के बीच में। और ये जो रेजिस्टेंस हमने लगाया है इसकी क्या वैल्यू है, आर एल। इस पॉइंट को हम ए नाम दे देते हैं, इसको बी नाम दे देते हैं। इन दो टर्मिनल्स के बीच में हम अपना वोल्टेज लगाते हैं। कौन सा वोल्टेज, एसी वाला, जिस एसी को यहाँ हमें जो ये आउटपुट वोल्टेज मिल रहा है ना, ये डीसी होगा। और यहाँ पर हम अपना इनपुट वोल्टेज लगाते हैं जिसे हम बोलते हैं एसी। यहाँ पर कौन सा लगाया हमने, एसी वाला वोल्टेज लगाया और यहाँ हमको क्या मिलेगा, डीसी वोल्टेज मिलेगा। तो जब हम
अब इसकी वर्किंग को समझते हैं कि जब हम इसकी प्राइमरी कॉइल पर कोई वोल्टेज लगाते हैं तो इस वजह से ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी कॉइल में भी क्या आ जाता है, एक वोल्टेज आ जाता है। ये वोल्टेज डायोड से होकर के पास होता है और यहाँ पर हमें क्या मिलता है, आउटपुट मिलता है। तो इसका कर्व भी पहले देख लेते हैं, फिर डिटेल में इसकी वर्किंग को समझेंगे। ये है हमारा वी इनपुट, ठीक है, जो हमने क्या लगाया है, एसी वोल्टेज लगाया है। अब ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी कॉइल पर भी क्या आएगा, एसी वाला इनपुट आएगा, ये हो गया हमारा वी एस, ठीक है। उसके बाद जब हमने इसको डायोड से गुजार दिया, ठीक है ना, ये डी हमारी डायोड है, तो हमें मिलेगा वी आउटपुट, यानी कि इसका जो ये हाफ साइकिल है इस पे तो मुझे आउटपुट मिलेगा, लेकिन ये जो आधा हाफ साइकिल है इसके लिए आउटपुट कैंसिल हो जाएगा, बिल्कुल ज़ीरो मिलेगा, फिर वापस हाफ साइकिल के लिए आउटपुट मिलेगा, फिर वो वापस क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। ये है हमारा वी आउटपुट, जो कि क्या है, डी सी विथ रिपल्स, यानी ये प्योर डी सी नहीं है, ठीक है, इसको हमें फिल्टर से गुजारना पड़ेगा। अब ऐसा क्यों होता है, इसके लिए हमें देखनी पड़ेगी इसकी वर्किंग। तो लास्ट के कुछ वीडियोस में हमने जब डायोड की वर्किंग को समझा था तो हमने ये बोला था कि डायोड जो होती है वो यूनिडायरेक्शनल होती है। कैसी होती है, यूनिडायरेक्शनल होती है करंट के लिए। जब वो फॉरवर्ड बायसिंग में होगी तब करंट को अपने में से होकर के फ्लो होने देगी तो हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, आउटपुट मिलेगा। और जब ये रिवर्स बायस्ड हो जाएगी उस केस में ये अपने अंदर से होकर के वोल्टेज को फ्लो नहीं होने देगी और उस केस में हमें यहाँ पर आउटपुट वी नॉट क्या मिलेगा, ज़ीरो मिलेगा। तो हम मान लेते हैं कि इस फर्स्ट हाफ साइकिल के लिए, ठीक है, ये क्या है, पॉजिटिव है, तो ये वाला टर्मिनल फर्स्ट हाफ साइकिल के लिए हम क्या मान लेते हैं, फर्स्ट हाफ साइकिल, दो हाफ साइकिल है ना इसके अर्ध चक्र, तो पहले अर्ध चक्र के लिए ए जो हो जाएगा वो पॉजिटिव हो जाएगा और बी क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो पॉजिटिव, और ये हमने जो पीएन जंक्शन डायोड पढ़ी थी इस तरह से, यहाँ पर क्या होता है, डिप्लीशन रीजन होता है, ये पी होता है, ये एन होता है, तो इस डायोड को ऐसे डिनोट किया जाता है, ये जो भाग होता है ये पी को दर्शाता है और ये जो भाग है ये एन को दर्शाता है। तो यहाँ पर ये डायोड के साथ क्या हो रहा है, पॉजिटिव वाला साइड किस तरफ आ रहा है, पी टर्मिनल की साइड, कौन सी तरफ आ रहा है, पी टर्मिनल की साइड, और ये जो नेगेटिव वाला है वो किसकी साइड आ रहा है, एन टर्मिनल की साइड, यानी कि हमारी डायोड क्या हो गई, फॉरवर्ड बायस्ड, क्या हो गई, फॉरवर्ड बायस्ड, ठीक है। इस केस में हमें क्या मिलेगा, आउटपुट मिलेगा, है ना, यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, आउटपुट मिलेगा, यानी कि डायोड क्या करेगी, अपने में से होकर के करंट को फ्लो होने देगी और हमें आउटपुट वी नॉट क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। इसी तरह से ये ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद क्या आएगा, नेगेटिव हाफ साइकिल, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं, लेकिन जब कुछ समय बाद क्या आता है, नेगेटिव हाफ साइकिल आता है करंट का, कौन सी करंट का, वी आई का। जब नेगेटिव हाफ साइकिल आएगा तब इसकी पोलैरिटी उल्टी हो जाएगी, है ना, नेगेटिव हाफ साइकिल आया तो ए वाला साइड क्या हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा और बी वाला साइड क्या हो जाएगा, पॉजिटिव साइड, पॉजिटिवली चार्ज, तो ए हो जाएगा हमारा नेगेटिव और बी क्या हो जाएगा, हमारा पॉजिटिव। इस केस में क्या होगा, अब डायोड के पी टर्मिनल पर क्या हो रहा है, नेगेटिव चार्ज आ गया और एन टर्मिनल पर क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। इस केस में जो हमारी डायोड हो जाएगी वो हो जाएगी रिवर्स्ड बायस, कैसी हो जाएगी, रिवर्स बायस्ड, और इस केस में, ठीक है, इस केस में करंट फ्लो नहीं होगी। हमने कल पढ़ा है लास्ट वीडियोस में कि रिवर्स बायस में करंट फ्लो नहीं होती है या बहुत ही कम होती है, जो कि नेग्लिजिबल होती है, तो इस केस में करंट फ्लो नहीं होगी और हमें आउटपुट वी नॉट जो होगा वो क्या मिलेगा, ज़ीरो मिलेगा, कोई आउटपुट नहीं मिलेगा। यानी जब जब डायोड पर पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगा तो हमें इसका आउटपुट मिलेगा और जब जब इसके नेगेटिव हाफ साइकिल आएंगे तो हमें इसका आउटपुट नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आपको इसकी वर्किंग समझ में आ गई हाफ वेव रेक्टिफायर की। अब हम इसमें इसके डेरिवेशन को देखेंगे, ठीक है। हम मान लेते हैं I इज इक्वल टू, ओम्स लॉ से आपको पता है I इज इक्वल टू क्या होता है, V अपॉन R, क्योंकि आप जानते हैं V इज इक्वल टू आई आर होता है, तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V अपॉन R, ठीक है।
अब वोल्टेज जो है डायोड पर आने वाला वोल्टेज कौन सा है? आप देखिए हमारे पास यहाँ पर तीन वोल्टेज हैं, वी आई, वी एस और वी नॉट। लेकिन डायोड पर कौन सा वोल्टेज आ रहा है? वी एस। कौन सा आएगा? वी आई से पहले वी ए वी एस जनरेट होगा और ये वी एस जो है वो डायोड पर क्या करेगा? अप्लाई होगा। तो जो हमारा वोल्टेज है वो क्या हो गया? डायोड पर आने वाला वोल्टेज हो गया वी एस, ठीक है। और इस और टोटल रेजिस्टेंस क्या है इस सर्किट का? इस सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस है इस सेकेंडरी कॉइल का रेजिस्टेंस प्लस डायोड का रेजिस्टेंस प्लस ये लोड रेजिस्टेंस। तो इस सेकेंडरी कॉइल का रेजिस्टेंस हम मान लेते हैं RS, डायोड का वोल्टेज हम मान लेते हैं RF और यहाँ पर इसका टोटल इस लोड रेजिस्टेंस को हमने मान लिया है RL। तो जो टोटल रेजिस्टेंस होगा वो होगा RS प्लस RF प्लस RL, ठीक है। और अगर आपने 11th 12th में ये चीज़ पढ़ी होगी कि जो VI होता है इनपुट, वो हम किस फॉर्मेट में देते हैं? उसे हम लिखते हैं EP साइन ओमेगा T। यानी कि EP भी क्या होता है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जो कि एक टाइप का वोल्टेज होता है प्राइमरी। P का मतलब है प्राइमरी। तो हमने जो इनपुट वोल्टेज दिया है वो ट्रांसफार्मर की प्राइमरी कॉइल पर क्या आ जाएगा? EP वोल्टेज के तौर पर आ जाएगा और ये एक साइन वेव है इसलिए इसको हम साइन ओमेगा T में लिखते हैं। इसी तरह से इसकी सेकेंडरी कॉइल पर कितना वोल्टेज आएगा? इसकी सेकेंडरी कॉइल पर आएगा एन ई पी साइन ओमेगा टी। यहाँ पर एन क्या होता है? नंबर ऑफ टर्न्स। क्या होता है? नंबर ऑफ टर्न्स होता है कि उस जो नंबर ऑफ टर्न्स का रेशियो होता है कि सेकेंडरी कॉइल में और प्राइमरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं वो हो जाएगा एन। तो प्राइमरी कॉइल से सेकेंडरी कॉइल में आते वक्त वोल्टेज एन गुना बढ़ जाएगा। तो इसको हमने लिख लिया वी एस की वैल्यू। यहाँ पर वी एस की वैल्यू को सब्सटीट्यूट कर देते हैं तो आई इज इक्वल टू एन ई पी साइन ओमेगा टी अपॉन आर एस प्लस आर एफ को हम आर लिख लेते हैं, यानी सर्किट के अंदर का रेजिस्टेंस प्लस बाहर वाला लोड रेजिस्टेंस, ठीक है। और इस जो एन ई पी होता है ये दोनों चीज़ें कांस्टेंट है तो इसको हम लिख लेते हैं ई एम। क्या लिख लेते हैं? ई एम साइन ओमेगा टी अपॉन आर प्लस आर एफ। ये क्या है? करंट की वैल्यू है। किसके लिए? हाफ साइकिल के लिए। कहाँ से कहाँ तक? जो टाइम है हमारा टाइम पीरियड वो जीरो से लेकर के टी बाई टू, यानी टोटल टाइम पीरियड अगर टी है तो आधे टाइम तक हमें इतनी करंट मिलेगी और जब टी बाई टू से लेकर के टी तक है तो हमें यहाँ पर कोई भी करंट नहीं मिलेगी, ठीक है। ये हो गई इसकी करंट की वैल्यूज, ओके। अब यहाँ पर आप देख लें अगर कि ये चीज़ें भी क्या है, सारी की सारी कांस्टेंट है, तो मैं इस करंट को ऐसे भी तो लिख सकती हूँ। इसको इस कांस्टेंट को मैं क्या मान लूँ? यहाँ पर आप देखिए मैंने एन ई पी को माना है ई एम, ठीक है। और यहाँ पर ई एम अपॉन आर प्लस आर एल को मैं मान लेती हूँ आई एम। ये भी तो वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस है। वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस क्या होता है? करंट। तो ये करंट के लिए कांस्टेंट की वैल्यू हो गई आई एम साइन ओमेगा टी। जब आधे सर्कल पे हमको इतनी करंट मिलेगी और बाकी के आधे साइकिल पे हमको करंट ज़ीरो मिलेगी, ठीक है। ये हो गई हमारी करंट की वैल्यू। अब आपने देखा होगा कि करंट जो होती है वो दो तीन टाइप की होती है। करंट के लिए हम आरएमएस की वैल्यू भी निकालेंगे, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, ठीक है, जो उसके एसी करंट को डिनोट करेगी। और हम डीसी करंट, यानी हमने जो आउटपुट करंट निकाली है बाहर आईडीसी, उसका हम क्या निकाल लेते हैं? एवरेज वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। तो अगर हमें एवरेज वैल्यू ऑफ आउटपुट करंट क्या निकालनी है? एवरेज वैल्यू ऑफ आउटपुट करंट, एवरेज वैल्यू ऑफ आउटपुट करंट निकालनी है, यानी कि हमें आई डी सी की क्या निकालनी है? एवरेज वैल्यू। तो एवरेज क्या होता है? सम ऑफ द क्वांटिटी अपॉन टोटल क्वांटिटी। तो इस केस में एवरेज क्या हो जाएगा कि पूरे साइकिल में करंट की वैल्यू कितनी चेंज हुई। तो उसे हम ऐसा लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी जीरो से लेकर के टी तक कि कितनी चेंज हो रही है, उसका हमने क्या निकाल लिया? इंटीग्रेशन। और फिर जितना टाइम हम ले रहे हैं उससे उसको क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया
दिया तो ये इसकी क्या आ जाएगी, एवरेज वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो आई डी सी इज इक्वल टू वन अपॉन टी, जीरो टू टी। आई की वैल्यू हमने क्या निकाली है, ये चीज़, इसको हम सब्सटीट्यूट कर देते हैं, आई एम डी टी, सॉरी आई एम साइन ओमेगा टी डी टी। अब मुझे क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन करना है। आई एम कॉन्स्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, जीरो से टी इंटीग्रेशन ऑफ साइन ओमेगा टी डी टी। साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस का कॉस। ठीक है, तो यहाँ मुझे मिलेगा आई एम अपॉन टी माइनस का कॉस ओमेगा टी, और टी के साथ जो भी कांस्टेंट होता है वो भी क्या आ जाता है, नीचे आ जाता है। और यहाँ पर इसकी लिमिट लगा लेंगे जीरो से लेकर के टी तक। ठीक है, ओमेगा भी कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा तो हमें मिलेगा आई एम अपॉन ओमेगा टी माइनस का कॉस ओमेगा टी जीरो से लेकर के टी तक। अब हम इसकी लिमिट्स को अप्लाई करेंगे तो आई डी सी हमें मिलेगा आई एम अपॉन ओमेगा टी माइनस कॉस ओमेगा टी, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा कॉस ज़ीरो। कॉस ज़ीरो की वैल्यू होती है वन। ठीक है, और टी की वैल्यू होती है टू पाई अपॉन ओमेगा। ये रिलेशन होता है एंगुलर वेलोसिटी और टाइम पीरियड में रिलेशन होता है, टी इज इक्वल टू टू पाई अपॉन ओमेगा। यहाँ पर हम सब्सटीट्यूट कर देंगे तो आई डी सी इज इक्वल टू आई एम अपॉन ओमेगा टी माइनस कॉस ओमेगा टू पाई अपॉन ओमेगा, और कॉस जीरो की वैल्यू होती है वन। ओमेगा से ओमेगा कैंसिल हो जाएगा और कॉस टू पाई की वैल्यू होती है माइनस का वन। कॉस 180 की वैल्यू क्या होती है, माइनस का वन। तो इसे अगर हम यहाँ पर रिप्लेस करेंगे तो आई एम अपॉन ओमेगा टी माइनस माइनस वन और प्लस वन, तो वन और वन मिलकर के क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा। यहाँ पर भी हम टी की जगह टू पाई अपॉन ओमेगा लिखेंगे, यहाँ पर मुझे मिलेगा मल्टीप्लाई बाय टू, टू से टू कैंसिल हो जाएगा, ओमेगा से ओमेगा कैंसिल हो जाएगा। आई डी सी यानी आउटपुट करंट की एवरेज वैल्यू हमें मिली है आई एम अपॉन पाई। आगे बहुत जगह हम इस चीज़ को यूज़ करेंगे। ठीक है, तो एवरेज करंट की वैल्यू हमें क्या मिली है, आई एम अपॉन पाई। ठीक है, इसी तरह से अगर हमें ई डी सी निकालना हो यानी कि वोल्टेज, तो आप जानते हैं वोल्टेज इज इक्वल टू क्या होता है, करंट इंटू आर, यानी कि करंट इंटू रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर हमने करंट की वैल्यू तो निकाल ही ली है, इसको आउटपुट करंट की हम बात कर रहे हैं तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, लोड रेजिस्टेंस से, क्योंकि आउटपुट में हमारे पास कौन सा रेजिस्टेंस है, लोड रेजिस्टेंस। तो इसको हम आउटपुट रेजिस्टेंस से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो हमें ई डी सी की वैल्यू मिलेगी आई डी सी यानी आई एम अपॉन पाई इंटू आर एन। ठीक है, अब आई एम हमने किसको माना था, आई एम हमने माना था ई एम अपॉन आर प्लस आर एल को। यहाँ पर इसको सब्सटीट्यूट करेंगे तो ई डी सी हमें मिलेगा ई एम अपॉन आर प्लस आर एल इंटू पाई इंटू आर एल। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट वैल्यू है, आगे हम इसको बहुत जगह यूज़ करेंगे। ये हो गई हमारी आउटपुट वोल्टेज या डी सी वोल्टेज की वैल्यू। ठीक है, अब एक छोटा सा और टॉपिक कर लेते हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आरएमएस वैल्यू ऑफ वोल्टेज एंड करंट। आरएमएस वैल्यू ऑफ वोल्टेज एंड करंट, अब ये जो आरएमएस वैल्यू होती है ये होती है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। ये हमेशा हमारे अल्टरनेटिंग करंट एसी करंट को क्या करती है, डिनोट करती है। तो हम सबसे पहले तो अगर आपको रूट मीन स्क्वायर का मतलब पता होगा तो रूट भी होता है मीन का स्क्वायर, इसे हम क्या बोलते हैं, आरएमएस वैल्यू। ठीक है, तो अगर मैं दोनों साइड का स्क्वायर कर लूँ तो मुझे मिलेगा आई स्क्वायर आर एम एस इज इक्वल टू मीन का स्क्वायर। ठीक है, अब इस मीन वैल्यू का हमें क्या निकालना है, स्क्वायर निकालना है या फिर स्क्वायर की मीन वैल्यू निकालनी है। अब मैंने आपको बताया है कि औसत हम कैसे निकालते हैं, आई डी टी अपॉन टी का जीरो से टी पर क्या कर देते हैं, इंटीग्रेशन। लेकिन अगर मुझे स्क्वायर टर्म की मीन वैल्यू निकालनी है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर। तो हमें मिलेगा आई आर एम एस का स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो से टी पर आई स्क्वायर का इंटीग्रेशन इंटू वन अपॉन टी। ठीक है,
यहाँ पर हम क्या करेंगे, आई की वैल्यू क्या निकाली थी हमने शुरुआत में, आई एम साइन ओमेगा टी, तो इसका हम क्या कर देंगे, स्क्वायर करके इंटीग्रेशन, तो मुझे मिलेगा आई एम साइन ओमेगा टी का स्क्वायर इंटू डी टी। आई एम स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा आई एम स्क्वायर अपॉन टी इंटीग्रेशन जीरो से टी साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू डी टी। अब मुझे साइन स्क्वायर थीटा का क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। अब स्क्वायर टर्म का इंटीग्रेशन तो होता नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इस साइन स्क्वायर थीटा को टू थीटा के टर्म्स में क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। तो आपको पता ही है ये चीज़ हम कैसे करते हैं, सबसे पहले तो कॉस टू थीटा का फॉर्मूला लिख लेते हैं, वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ से इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, टू साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन माइनस कॉस टू थीटा, और ये टू जो है किस में आ जाएगा, अपॉन में, थीटा की जगह पे हमारे पास है ओमेगा टी, तो यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, वैल्यू को लिख लेंगे, क्या मिलेगा, आई एम स्क्वायर अपॉन टी इज इक्वल टू, ठीक है, जीरो से लेकर के टी तक क्या आ जाएगा, वन माइनस कॉस टू ओमेगा टी अपॉन टू इंटू डी टी, टू भी कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा, और बाकी टर्म का हम क्या कर लेंगे, इंटीग्रेशन, वन का इंटीग्रेशन होगा टी, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन होगा साइन थीटा, और टी के साथ जिसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है उसके साथ जो कॉन्स्टेंट टर्म्स है वो क्या आ जाएगी, नीचे आ जाएगी, ठीक है, जीरो से लेकर टी तक। अब सिंपल हम इसमें लिमिट्स अप्लाई करेंगे, तो लिमिट अप्लाई करने पर हमें मिलेगा टी की जगह पर टी माइनस साइन टू ओमेगा टी अपॉन टू ओमेगा माइनस जीरो माइनस साइन टू ओमेगा इंटू जीरो अपॉन टू ओमेगा। अब आप देख लीजिए, टू ओमेगा जिससे जब जीरो मल्टीप्लाई होगा तो ये साइन जीरो हो जाएगा, साइन जीरो की वैल्यू होती है जीरो, तो ये भी जीरो ये भी जीरो। अब हमें सिर्फ इन दो टर्म्स को क्या करना है, सॉल्व करना है। अब पीछे मैंने आपको बताया t इज इक्वल टू टू पाई अपॉन ओमेगा होता है, ठीक है, तो ओमेगा इंटू टी क्या बनेगा, टू पाई बनेगा, तो ये वैल्यू अगर हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दें तो हमें मिलेगा आई एम स्क्वायर अपॉन टू टी टी माइनस, ठीक है, टी माइनस साइन ओमेगा टी की जगह पर लिखना है टू पाई अपॉन टू ओमेगा, साइन टू पाई यानी साइन 180 की भी वैल्यू होती है ज़ीरो, तो हमें मिला आई एम स्क्वायर अपॉन टू टी इंटू टी, और ये माइनस क्या हो जाएगा, ये टर्म क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी, तो ये टी से टी क्या हो जाएगा, कैंसल, तो हमें मिला आई एम स्क्वायर यहाँ पर जो हम इंटीग्रेशन कर रहे थे ना वो हाफ साइकिल का इंटीग्रेशन होगा, क्योंकि आई आर एम एस जो है हमें हाफ साइकिल के लिए मिल रही है, तो जो हमारी लिमिट भी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, अपॉन में टू हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लिख लेंगे, हमारे पास वैल्यू में आएगी टी बाई टू, तो टी से टी कैंसिल हो जाएगा, आई एम स्क्वायर अपॉन फोर, ये किसकी वैल्यू आई, आई आर एम एस के स्क्वायर की, दोनों तरफ का मैं रूट ले लूँगी तो मुझे मिलेगा आई आर एम एस इज इक्वल टू आई एम अपॉन टू, ये हुई मेरी रूट मीन स्क्वायर करंट की वैल्यू। इसी तरह से अगर मैं रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज को निकालूँ तो वोल्टेज इज इक्वल टू वी इज इक्वल टू ओम्स लॉ से होता है आई इंटू आर, तो आई आर एम एस इंटू आर से मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और R कौन सा है हमारा, लोड रेजिस्टेंस, तो आई आर एम एस यानी आई एम अपॉन टू इंटू आर एल। आई एम की वैल्यू क्या थी, अभी हमने थोड़ी देर पहले देखी थी, ई एम अपॉन आर प्लस आर एल, इस वैल्यू को यहाँ पर रख लेंगे, ई एम अपॉन टू इंटू आर प्लस आर एल इंटू आर एल, ये किसकी वैल्यू आई, ई आर एम एस, यानी हमने करंट की एवरेज वैल्यू, डीसी वैल्यू और करंट की आरएमएस वैल्यू और वोल्टेज की भी इन वैल्यूज़ को कैलकुलेट कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे के पार्ट को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम इसकी एफिशिएंसी और रिपल फैक्टर को देखकर फिर आगे हम फुल वेव रेक्टिफायर के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड।